अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपका मालिक जाइए डॉक्टर जुबैर अब्दुल। आपने मेरी रिसेंट वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने कीटोजेनिक डाइट की हिस्ट्री पे बात की थी, कीटोजेनिक डाइट की टाइप पे बात की थी, तो और मैंने उसके वीडियो के लास्ट में आपको बताया था कि आने वाले दिनों में जो है मैं कीटोजेनिक डाइट में आप कौन सी चीज़ें खा सकते हैं, कौन से फूड ग्रुप्स ले सकते हैं और कौन सी चीज़ें आप नहीं खा सकते, और साथ ही मैंने ये भी बताया था कि मैं डाइट प्लान शेयर करूँगा। तो आज की इस वीडियो में मैं कीटोजेनिक डाइट की जो टाइप है जिसे क्लासिक कीटोजेनिक कहते हैं उस पर बात करूँगा, उसकी फूड ग्रुप्स के बारे में बात करूँगा, कौन सी चीज़ें आप खा सकते हैं, कौन सी चीज़ें नहीं खा सकते, इसके अलावा एज के एंड में एक सिंपल कीटोजेनिक डाइट प्लान भी आपको शेयर करूँगा। तो आपने ये पूरी वीडियो स्टार्ट से लेकर एंड तक देखनी है और मेरा चैनल लाइव चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो चलिए बात करते हैं कीटोजेनिक डाइट के ऊपर। लास्ट वीडियो मैंने आपको बता चुका था कीटोजेनिक डाइट जो होती है हाई इन फैट होती है, लो इन कार्बोहाइड्रेट होती है, एडिक्वेट अमाउंट इन प्रोटीन होती है। ये जिस मैं डाइट की बात कर रहा हूँ आपको, ये क्लासिक कीटोजेनिक डाइट है। क्लासिक डाइट में ये होता है कि 70% आपने फैट लेना होता है, 25% आपने प्रोटीन लेना होता है और 5% आपने कार्बोहाइड्रेट लेने होते हैं। तो कौन से आपने कार्बोहाइड्रेट लेने होते हैं और कौन से फैट्स लेने, कौन से प्रोटीन, आज की इस वीडियो में शेयर करूंगा। आज मैं आपके साथ एक लिस्ट शेयर करूंगा जिसमें आपने ये जो चीज़ें हैं इनको अपनी डाइट से कम्प्लीट इलिमिनेट कर देना, ये कार्बोहाइड्रेट को अगर आप कीटोजेनिक डाइट इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले आपके पास आ जाती है नो रोटी, नो दाल, नो लेग्यूम्स, ठीक है, उसके बाद नो बेकरी प्रोडक्ट, नो पैक जूसेस, नो कोल्ड ड्रिंक्स, और उसके बाद नो प्रोसेस्ड फूड्स। ये वो चीज़ें जो आप नहीं खा सकते, मतलब आप दाल नहीं खा सकते, आप रोटी नहीं ले सकते, आप इसमें कोई भी कार्बोहाइड्रेट के सोर्स जिनमें हाई इन जो हाई इन ग्लाइसेमिक इंडेक्स होते हैं वो फ्रूट्स भी नहीं ले सकते। मिसाल के तौर पे जो आप गंदम की रोटी है वो भी नहीं खा सकते। कौन सी चीज़ें आप खा सकते हैं उस पर मैं बात करूँगा जी। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ मीट से। मीट ग्रुप्स में जो आप खा सकते हैं उसमें आप मटन ले सकते हैं, आप उसमें बीफ खा सकते हैं, आप उसमें चिकन खा सकते हैं, उसमें टर्की खा सकते हैं, आप उसमें फिश खा सकते हैं, ठीक है। ये एक मीट की कैटेगरीज है जिसमें ये चीज़ें आप ले सकते हैं, ठीक। तो मीट के बाद जो सेकंड कैटेगरी आती है हमारे पास एग्स की आती है। एग्स जो है वो एक हेल्दी सोर्स है और एग्स को आप कीटोजेनिक डाइट का एक मेन पिलर भी समझ सकते हैं। एग्स जो आप अपने ब्रेकफास्ट में लाजमी इंक्लूड करें। अगर फॉर एग्जाम्पल आप ब्रेकफास्ट ले रहे हैं तो उसमें आपकी एग्स का एक कम्प्लीट पोर्शन होना चाहिए। और एग्स में आप टर्की एग ले सकते हैं, चिकन एग ले सकते हैं, ये एग्स की कोई भी फॉर्म जो है आप ले सकते हैं। अच्छा, तो मीट्स के बाद आ जाते हैं कि आप फ्रूट्स में कौन सी चीज़ें ले सकते हैं, क्योंकि सबसे कंफ्यूजन होती है कीटोजेनिक डाइट में वो फ्रूट्स की होती है। फ्रूट्स में आप सिर्फ बेरीज ले सकते हैं और एवोकाडोज ले सकते हैं, या बेरीज की स्मूदीज ले सकते हैं, एवोकाडोज की स्मूदी ले सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी फ्रूट कीटोजेनिक डाइट में नहीं खा सकते। इसके बाद आ जाते हैं आपकी सी फूड की तरफ से। सी फूड में जो आप फिश की टाइप ले सकते हैं, आप उसमें रहू ले सकते हैं, ट्राउट ले सकते हैं, मली ले सकते हैं, ट्यूना ले सकते हैं, सैल्मन खा सकते हैं, सार्डीन्स खा सकते हैं, प्रॉन्स खा सकते हैं। ये सारी सी फूड जो है आप अपनी कीटोजेनिक डाइट में खा सकते हैं जी। तो इसके बाद हम बात करते हैं ड्रिंक की कैटेगरी में। ड्रिंक की कैटेगरी में आप वो फूड्स लेते हैं मोस्टली जो जीरो कैलोरी होती हैं, लाइक ब्लैक कॉफी ले सकते हैं, आप ग्रीन टी पी सकते हैं, आप हर्बल टीज ले सकते हैं, सिनेमन जिंजर टी ले सकते हैं, आप पिशावरी कहवा पी सकते हैं, आप घर में जो नॉर्मल ग्रीन टीज बनाते हैं वो पी सकते हैं। इसके अलावा आप हाई क्रीम कॉफी पी सकते हैं, आप हाई क्रीम जो है कोई भी कोल्ड कॉफी भी पी सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो आपके ड्रिंक्स में वो इजीली आप पी सकते हैं। जो नहीं पी सकते उसमें मिल्क, दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें नहीं पी सकते, आप पैक जूसेस नहीं पी सकते, आप कोल्ड ड्रिंक नहीं पी सकते, हाई स्वीटेड जो बेवरेजेस हैं वो आप नहीं पी सकते जी। तो कीटोजेनिक डाइट में जो है वो सबसे पहले ये पूछा जाता है कि हम कौन सी सब्जियाँ खा सकते हैं, कौन, क्योंकि बेसिकली कीटोजेनिक डाइट को जो है इकोनॉमिक फ्रेंडली डाइट भी कहा जाता है। तो इसमें सबसे पहले ये क्वेश्चन होता है कि हम कौन सी सब्जियां जो है वो इजीली घर में कुक करके खा सकते हैं। तो उन सब्जियों में पहली सब्जी है गोभी। गोभी में बंद गोभी भी खा सकते हैं, फूल गोभी भी खा सकते हैं, भिंडी खा सकते हैं, करेले खा सकते हैं, बैंगन खा सकते हैं, कद्दू खा सकते हैं, प्याज खा सकते हैं। इसके अलावा आप सैलेड में खीरा खा सकते हैं। खीरे के अलावा आप अपने लहसुन ऐड कर सकते हैं, लहसुन के अलावा पुदीना ऐड कर सकते हैं। पुदीने के अलावा जो आपकी मोस्टली जो है शिमला मिर्च है वो बहुत अच्छी एक इसमें एडिशन है, वो आप ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा जो भी सब्जियां हैं जो जिसमें स्टार्च नहीं आता वो इसमें आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन जो चंद मैंने सब्जियां बताई हैं इजीली अवेलेबल होती हैं मार्केट में, तो आप खा सकते हैं कीटोजेनिक डाइट में। अब बात करते हैं स्वीटनर्स की, क्योंकि जब कीटोजेनिक डाइट की बात की जाती है तो कीटोजेनिक डाइट में ये होता है कि बस मीठा बिल्कुल ख़त्म और हम मिठास नहीं ले सकते, क्योंकि कीटोजेनिक डाइट में कार्बोहाइड्रेट लेने ही आपने 5% होते हैं। वो 5% कार्बोहाइड्रेट ले रहे थे जिनकी नेट कार्बोहाइड्रेट 5% आए। तो आप कीटोजेनिक डाइट में जो है स्वीटनर्स में जो है स्टीविया ले सकते हैं। स्टीविया एक इजीली अवेलेबल प्रोडक्ट है जो आप मार्केट से परचेज करके अपनी कीटोजेनिक डाइट में ऐड कर सकते हैं, बट नॉट मोर देन 1 टीस्पून पर सर्विंग। तो अब बात करते हैं कि कीटोजेनिक डाइट में फैट्स कौन से यूज़ करने चाहिए, क्योंकि कीटोजेनिक डाइट जो 70% फैट पर बेस्ड होती है। तो आप कौन से फैट्स में यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें देसी घी यूज़ कर सकते हैं, बटर यूज़ कर सकते हैं, क्रीम यूज़ कर सकते हैं,
एवोकेडोज यूज कर सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल यूज कर सकते हैं इसमें आप। इसके अलावा जो है वो एवोकेडो ऑयल्स यूज कर सकते हैं, जितने भी ऑयल्स आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आप रेगुलर जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं वो यूज नहीं कर सकते। प्रेफरली आप बटर और देसी घी को जो है प्रेफरेंस दें, वो एक बेटर चॉइस होती है। अगर आप आपकी अफोर्डेबिलिटी बहुत अच्छी है तो आप एवोकाडो ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल भी ऐड कर सकते हैं इसमें। इसके बाद जो मोस्टली जो इसमें एक प्रॉब्लम आती है कीटोजेनिक डाइट में, तो आपको कॉन्स्टिपेशन की आ रही होती है, और मोस्टली जो क्लाइंट्स है वो पूछ रहे होते हैं कि कीटोजेनिक डाइट में जो है हम कौन से सीड्स ऐड कर सकते हैं अपना फाइबर इंटेक को बढ़ाने के लिए और अपने जो मल्टी विटामिन्स हैं उनकी डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए। तो इसमें आप बेजल सीड ऐड कर सकते हैं, चिया सीड ऐड कर सकते हैं, फ्लैक्स सीड ऐड कर सकते हैं, सल्फ्राट सीड ऐड कर सकते हैं, पम्पकिन सीड ऐड कर सकते हैं, सेसमी सीड ऐड कर। ये वो सीड्स हैं जो नॉर्मली आपको मार्केट में अवेलेबल है, आप अपनी स्मूदीज में, सैलड में और आपकी जो भी कुकिंग मेथड है उसमें इसको ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हम जो है कीटोजेनिक डाइट में किस आटे की रोटी बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप ऑलमंड फ्लोर की रोटी बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, कोकोनट फ्लोर की रोटी बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा आप हेजलनट फ्लोर की रोटी बना के इस्तेमाल कर सकते हैं और फ्लैक्स सीड की रोटी बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वो फ्लोर्स हैं जो इजीली मार्केट में अवेलेबल होते हैं और आप इनकी रोटी बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये हाई प्रोटीन होते हैं और हाई इन फैट होते हैं जी। अच्छा, इसके बाद एक नॉर्मल जो है वो स्नैक के तौर पर पूछा जाता है कि आप स्नैक में हम कौन सी नट्स जो है वो ऐड कर सकते हैं। उसमें ऑलनट्स ऐड कर सकते हैं, हेजलनट्स ऐड कर सकते हैं, वॉलनट्स ऐड कर सकते हैं, वॉलनट्स के अलावा आप इसमें पीनट्स ऐड कर सकते हैं। ये वो नट्स हैं जिनको आप मॉडरेशन की फॉर्म में अपनी जो कीटोजेनिक डाइट है उसमें ऐड कर सकते हैं जी। अब आ जाते हैं डेयरी प्रोडक्ट की तरफ। तो डेयरी प्रोडक्ट्स में आप क्या ले सकते हैं, ऑल टाइप ऑफ चीज ले सकते हैं, बटर ले सकते हैं, फुल क्रीम्स ले सकते हैं, इसके अलावा आप ग्रीक योगर्ट ले सकते हैं। वो ये वो चीजें हैं जिन डेयरी प्रोडक्ट में से जो आप अपनी कीटोजेनिक डाइट में ऐड कर सकते हैं। आ जाते हैं हम स्पाइसीज की तरफ के, आप कौन सी स्पाइसीज इसमें ऐड कर सकते हैं। आप चिली पाउडर ऐड कर सकते हैं इसमें, आप थाइम ऐड कर सकते हैं इसमें, आप कोरिएंडर ऐड कर सकते हैं, इसके अलावा आप इसमें साल्ट ऐड कर सकते हैं। साल्ट में मोस्टली पिंक साल्ट आप प्रेफरेबली ऐड करें। इसके अलावा आप जो भी ट्रेडिशनल स्पाइसीज हैं वो इसमें ऐड कर सकते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट कंटेंट जीरो होता है मोस्ट स्पाइसीज में, तो आप ऐड कर सकते हैं अपनी कीटोजेनिक डाइट जी। फूड ग्रुप्स के बारे में तो अब आपने जांच लिया है, इसके बाद हम आएंगे डाइट प्लान की तरफ। तो आप कैसे इन फूड ग्रुप से अपना एक डाइट प्लान बना सकते हैं, मैं अब आपके साथ एक डाइट प्लान शेयर करने जा रहा हूँ जिसको आप इजिली फॉलो कर सकते हैं। सुबह मॉर्निंग में आप निहार मुंह जो है एप्पल साइडर विनीगर जो मदर लिक्विड का होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बहुत कम होता है या न होने के बराबर होता है वो आप ले सकते हैं। उसको आप 1 टीस्पून एप्पल साइडर विनीगर लेंगे नीम गर्म पानी के साथ, और आपकी मॉर्निंग की जो वॉक है 10 to 20 मिनट्स वो करेंगे। उसके बाद आप देसी घी में 1 टेबल स्पून देसी घी लेंगे और उसके अंदर 2 अंडों का जो है ऑमलेट बनाएंगे। ऑमलेट में जो सब्जियां ऐड करनी है ऑलरेडी मैं आपको वीडियो में पहले बता चुका हूँ वो ऐड करें, और 1 कप ऑफ बुलेट प्रूफ कॉफी ले लें। बुलेट प्रूफ कॉफी में क्या होगा कि आप 1 टीस्पून देसी घी ऐड करेंगे और ब्लैक कॉफी के अंदर, और उसको मिक्सअप करके 1 कप ब्लैक कॉफी को अपनी जो है वो अपने ब्रेकफास्ट में ऐड कर लेंगे। ये आपके पास ब्रेकफास्ट की चॉइस है। इसके बाद आ जाते हैं आपका स्नैक। तो स्नैक्स में अगर आपको भूख बहुत ज्यादा लग रही है तो इसमें आप क्या करते हैं हैंडफुल ऑफ नट्स ले सकते हैं। नट्स की ऑलरेडी कैटेगरीज में आपको बता चुका हूँ, ऑलमंड्स, हेजलनट्स, वॉलनट्स या फिर पीनट्स, इनमें से कोई भी आप लोग अपने जो है वो स्नैक में ऐड कर सकते हैं। स्नैक में अगर आप फ्रूट या स्मूदीज ऐड करना चाहें तो फ्रूट या स्मूदीज में से सिर्फ आप जो है वो एवोकेडोज या बेरीज की स्मूदीज ऐड कर सकते हैं। ग्रीक योगर्ट में बना के 1/2 कप ग्रीक योगर्ट ले लें, 1 टेबल स्पून चिया सीड ले लें या बेजल सीड ले लें या फ्लैक्स सीड ले लें, उसको स्मूदी के अंदर ऐड करें और उसको अच्छे से मिक्स कर लें या ब्लेंड कर लें। उसके बाद आप एक स्मूदी ले सकते हैं बेरीज या एवोकेडोज की। इसके बाद आपके पास लंच के ऑप्शन आ जाते हैं। तो लंच में एक प्लेट आपने भर के जो है सैलड की लेनी है। सैलड में आपके पास ऑलरेडी खीरा है, टमाटर है, बेल पेपर्स है, इसका सैलड बनाए और सैलड के ऊपर जो है 1 टेबल स्पून जो है ऑलिव ऑयल की आप ड्रेसिंग कर लें और उसमें लेमन स्क्वीज कर लें। इसके बाद जो है वो आप उसके साथ कोई भी एक चिकन का पीस जो है वो 250 से 300 ग्राम का देसी घी में जो है वो बना हुआ जो है फ्राई किया हुआ हो तो वो आप ले सकते हैं। ये आपका एक लंच का ऑप्शन हो गया। इसके बाद इवनिंग है, तो इवनिंग में अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है या आपको स्टाइटी बहुत ज़्यादा हिट कर रही है, आपको भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, तो आप इसमें जो है वो इसके बाद आपके पास जो बेटर चॉइस है वो ये है कि आप स्नैक में अगेन नट्स की कोई भी एक सर्विंग जो है वो ऐड कर सकते हैं ग्रीन टी के साथ। फॉर एग्जाम्पल इसमें आप अगर मॉर्निंग में आपने जो ऑलमंड्स लिए हैं तो इवनिंग में आप हेजल नट्स ले लें या वॉलनट्स ले लें 10 to 20 के साथ, अपना कप ऑफ ग्रीन टी ले लें, क्योंकि ग्रीन टी लो कैलोरी होती है और उसमें कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं होती, तो वो आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है आपका रात का खाना। तो रात के खाने में आप कोई भी वेजिटेबल्स का ग्रुप ले लें, जैसे आप भिंडी ले लें, करेले ले लें, 3-4 वेजिटेबल्स को मिक्स कर लें और उनको सॉल्टेड वेजिटेबल के तौर पर बना लें और उनको 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून जो है आप देसी घी में उसको स्टिर फ्राई कर लें। फ्राई करने के बाद उसको ऑलमंड फ्लोर की एक चपाती बना लें, उसके साथ खा लें।
तो ये आपका एक नॉर्मल कीटोजेनिक डाइट प्लान है जो मैंने सैंपल डाइट प्लान आपके साथ शेयर किया है। इसमें कार्बोहाइड्रेट जो है नेट कार्बोहाइड्रेट ऑलमोस्ट 5 ग्राम से भी कम होंगे, तो ये आपको सूट करेगा। एक क्लासिक कीटोजेनिक डाइट डाइट प्लान था, उसकी मैंने आपके साथ फूड ग्रुप भी शेयर किए हैं, रेसिपीज भी शेयर कर दी हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और अगर आप कीटोजेनिक डाइट और वीडियोस देखना चाह रहे हैं या आपके सजेशन है कि मैं और वीडियोस बनाऊँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।